मोटर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 2 महीने 15 दिनों के बाद जोजिला पास को ट्रायल बेसिस पे खोल दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक अहम प्रोग्राम जोजिला पास में मुनक्कद किया गया, जहां पे DGBRO RK चौधरी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे और उनके हमरा चीफ इंजीनियर विजायक और चीफ इंजीनियर बेकन भी मौजूद थे। आपको बताते चले, सिविल वेहिकुलर मूवमेंट के लिए आने वाले समय में BRO के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग किया जाएगा, ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया जाएगा और इसके बाद सिविल वेहिकुलर मूवमेंट के लिए गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जोजिला पास को बहाल किया जाएगा और साथ ही साथ एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख की जानिब से सिविल वेहिकुलर मूवमेंट के लिए। फिलहाल ट्रायल बेसिस पे BRO की जानिब से जोजिला पास को ओपन किया है और सिविल वेहिकुलर मूवमेंट के लिए अभी जोजिला पास को अलाउ करना बाकी है। एक खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे हमारे साथी सलीम वानी ने, ग्राउंड जीरो पे जायजा लिया और वहां पे क्या कुछ BRO की अफसरान कह रहे हैं, BRO की DG ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। 75 दिन के बाद आज श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को ट्रायल बेसिस पे खोल दिया गया है। DGBRO लेफ्टिनेंट जनरल RK चौधरी ने इस हरी झंडी को जीरो पॉइंट पे पास किया और वहां पे चीफ इंजीनियर विजय, चीफ इंजीनियर कश्मीर दोनों मौजूद थे और अदर सीनियर ऑफिशियल थे। 75 दिन के बाद इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुआ कि श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को ओपन किया गया है ट्रायल बेसिस पर और वहां पे DGBRO ने यह भी कहा कि उसके बाद अभी 4 दिन के बाद एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन यहां पे हो जाएगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें गांदरबल की एडमिनिस्ट्रेशन और करगिल की एडमिनिस्ट्रेशन और BRO का टीम यहां पे इंस्पेक्ट करेगा और उसी के बाद सिविल ट्रैफिक को अलाउ किया जाएगा। लेकिन आज जो 10:30 के करीब DGBRO लेफ्टिनेंट जनरल RK चौधरी ने ट्रायल बेसिस पे इस रोड को खोल गया है और उसी हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल जो DGBRO है उसके हमरा चीफ इंजीनियर विजय, चीफ इंजीनियर कश्मीर भी मौजूद थे और ड्री सेक्टर कमांडर भी, दो यूटीज का दिल मिलाने वाला जोजिला उसको खोल दिया गया है और वहां पे आज हरी झंडी दिखाई गई है। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी। And all the other present guests, please proceed for tea and media interaction.